अस्सलाम वालेकुम गाइस, नेक्स्ट लेवल किचन में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए, आज हम बनाने वाले हैं कांदा पोहा। तो ये देखिए, हमने थोड़ी सी कड़ी पत्ते ले लिए हैं, 8-10 पत्ते। दो हरी मिर्च ली है हमने, आधा कांदे को हमने चॉप कर लिया है। थोड़ी सी हरी धनिया ली है हमने। एक बाटी हमने भुना हुआ सेंगदाना लिया है, और ये थोड़ा सा हमने जीरा और वो ली है राई बघार के लिए। तो चलिए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। और ये देखिए, मैंने 300 ग्राम पोहे को धोकर छन्नी में रख दिया है। हमें इसे भिगो कर नहीं रखना है, हमें इसे तुरंत सिर्फ इस पर पानी डालकर और इसे हमें तुरंत हमें छन्नी में छान के इसे रख देना है, नहीं तो ये एकदम गीला हो जाएगा। ये देखिए, हमारा पोहा ऐसा भरभरा सा रहना चाहिए ऐसे ऐसे। तो देखिए गाइस, हमने ये कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम थोड़ा सा जीरा और राई को डाल देंगे, ये थोड़ा सा तड़क जाए तो हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। थोड़ा सा कड़ी पत्ता हम इसमें सेंगदाने को ऐड कर देंगे। ये देखिए, ताकि हमारा सेंगदाना और थोड़ा सा क्रंची हो जाए। और ये देखिए, हम इसमें कांदे को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसे कांदे को हल्का सा नरम होने देंगे। ये देखिए, हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। ये देखिए, ये हमारा कांदा नरम हो चुका है। हम इसमें पोहे को डाल देंगे। ये देखिए, सिंपल सी आसान सी रेसिपी है। इसे जब भी हमें भूख लगे, कभी भी हमें नाश्ता करना हो, मेहमान आ जाए, तो हम झटपट इसे रेडी कर सकते हैं। और देखिए, हम इसमें आधा टेबल स्पून के लगभग हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा, हमारे घर में थोड़ा सा पोहे को स्वीट पसंद करते हैं, तो हम थोड़ी सी पीसी हुई चीनी इसमें डाल देंगे। ये देखिए, हम लगभग 2 टेबल के लगभग हम इसमें पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे। ये देखिए, हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम 1 मिनट के लिए सब मिक्स होने देंगे। ये देखिए, हम इसमें आधा लेमन भी ऐड कर देंगे, ताकि थोड़ा सा खट्टा मीठा और चटपटा सा स्वाद रहे। अगर आपको चीनी नहीं ऐड करना है तो भी चलेगा, आप बिना चीनी के जैसे पसंद हो तो आप इसमें, मेरे बच्चों को थोड़ा चीनी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ तो वो लोग बहुत शौक से खा लेते हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो देखिए, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया सा हमारा पोहा बनकर रेडी है। ये बस 2 मिनट में झटपट से रेडी हो जाता है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और ये खाने में बिल्कुल लाइट है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, अब हम गैस को कर देंगे बंद, और थोड़ा सा हम धनिया ऊपर से इसमें ऐड कर देंगे, ताकि ये, तो देखिए हम इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा बेहतरीन सा टेस्टी पोहा बनकर रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, अपना ध्यान रखिए।